अब मैं दोबारा क्रेगलिस्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगी। कुछ दिन पहले ही मेरे साथ बहुत अजीब और भयानक घटना घटी और मैं नहीं जानती कि मेरे पास कितना वक्त बचा है। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं एक ऐसा खास काम करती हूं जिससे आदमी को ठीक ठाक पैसों में काफी खुशी मिलती है, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने इस काम के बारे में क्रेगलिस्ट पर भी डाल देती हूं, बस यही सोचकर कि इस तरह मुझे काम मिलने में आसानी होगी। मैं बेसब्री से सोशल मीडिया चेक करती रही और क्लाइंट्स आने का इंतजार करती रही। मुझे आखिरी दिन काम किए हुए काफी वक्त हो गया था और मेरे घर का किराए का वक्त आने ही वाला था। अचानक मेरे फोन पर मैसेज की घंटी बजी और मैंने नीचे देखा। उसमें एक मैसेज आया हुआ था और मुझे यकीन था कि वो मेरे लिए काम का ऑफर था। जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे गिरने लगी। हे, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं तुम्हारी सर्विस लेना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ सोने की इच्छा रखती हो तो। एक रात के $700 कैसे रहेंगे? अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये अक्सर कर सकते हैं। क्रेगलिस्ट पर काम करने की मेरे अंदर जो बेचैनी थी वो एक पल में दूर हो गई। एक रात के $700? इसमें कोई हैरानी नहीं कि लोग इस हद तक जाते हैं। मैंने फौरन उसे हाँ मैं फ्री हूँ कहते हुए जवाब दिया और वो मुझे फोन कर सकता है ताकि हम मीटिंग फिक्स कर सकें। हे मैरी, है ना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तो तुम्हें मेरी कुछ सर्विसेज चाहिए है ना? हाँ बिल्कुल, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो। तुम जहाँ रहती हो मैं भी उसी के आसपास हूँ, अगर तुम चाहो तो हम मेरे घर मिल सकते हैं। जैसे ही मैंने हाँ किया मेरा दिल खुशी से जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ बल्कि बहुत अच्छा रहेगा, तुम कहाँ रहते हो? उसने मुझे अपने घर का पता बताया और मैंने उसे एक कागज पर लिख दिया। जब उसने फोन रखा तो मैंने अपने कपड़े बदल लिए, आखिर मेरे लिए अच्छा दिखना जरूरी था। मैंने उसके दिए हुए पते पर जाने के लिए टैक्सी ली। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चली गई। जब तक आप एक तंग स्थिति में नहीं होते तब तक आपको पता नहीं होता कि आपको $700 का क्या करना है। हालांकि जब मैं उस पते पर पहुंची तो मैं डर गई। ऐसा नहीं था कि मैंने उससे इस चीज की उम्मीद नहीं की थी, ज्यादातर आदमी जो मेरी सर्विस लेना चाहते हैं वो बदसूरत ही होते हैं, लेकिन मैंने जितना सोचा था वो उससे कई ज्यादा बेकार दिखता था। उसके बिखरे हुए काले बाल उसकी आंखों के नीचे तक आ रहे थे, लेकिन वो उसके ट्रिपल चिन को छुपाने में ज्यादा मदद नहीं कर रहे थे। उसका चेहरा बहुत भारी था और उसका शरीर उससे भी ज्यादा भारी। जब मैंने उसे वहां खड़ा हुआ देखा तो मुझे उससे घिन आने लगी और यहां तक कि मैंने पीछे हटने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर भी अपनी मजबूरी समझते हुए मैं उसके साथ बिल्डिंग के अंदर चली गई। इस तरफ जाने मन। ओके, मैं ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर थी कि कुछ तो अजीब है। वो आदमी मुझे एक लंबे कॉरिडोर से दूसरी तरफ ले जा रहा था और दोनों तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे। अचानक मुझे याद आया, मुझे लगा कि तुमने कहा है कि हम तुम्हारे घर मिलने वाले हैं, क्या एक होटल नहीं है? हाँ हाँ हाँ, मुझे बाद में लगा कि यहाँ आना ज्यादा सही रहेगा। मैं उसके कहने पर एक कमरे के अंदर चली गई और जैसे ही उसने पीछे से दरवाजा बंद किया मैं समझ गई कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी जेब से एक बंदूक निकाल ली और उसे मेरी तरफ तान दिया। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? रिलैक्स करो जानेमन, ऐसा नहीं है कि कोई इस छोटे से होटल में रुकता है, कोई तुम्हें सुन नहीं पाएगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जैसे वो मेरी तरफ आने लगा मैं पीछे हट गई और एक दीवार पर आकर रुक गई। इस बात का एहसास होते ही उसकी आंखें चमक गई। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैंने फटाफट अपना सर हिलाया, अब तक मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं नहीं जानना चाहती थी कि यहाँ क्या हो रहा था। तुम्हें शायद मेरा नाम नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं क्या करता हूँ वो तुम जरूर जानती होगी। क्या तुम्हें वैश्यों की मौत की खबर के बारे में पता है जो क्रेगलिस्ट से जुड़ी है? पुलिस कभी पता नहीं लगा पाई कि वो मैं हूँ, और देखो आज मैं यहाँ। जैसे उसने ये कहा मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। अब मुझे अच्छे से समझ आ रहा था कि वो कौन था। मैंने अखबार में इस खबर को पढ़ा था। इससे पहले कि मैं तुमसे पीछा छोड़ाऊं, मैं चाहता हूं कि तुम अपने कपड़े उतारो। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने वैसा किया तो मैंने देखा कि उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसका ध्यान पूरी तरह से मेरे ऊपर था। मैंने इसी बात का फायदा उठाया और उसके हाथ से गन छीन कर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो गुस्से में चिल्लाया जिस वजह से उसका चेहरा लाल हो गया और मेरे पीछे भागा। मैं दरवाजे तक पहुंचने में सफल हुई और उसे थोड़ा सा खोलने में, लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर निकल पाती उसने पीछे से मेरे बाल पकड़ लिए। मैं चिल्लाई और इतनी जोर से चिल्लाई जैसे मैंने पहले कभी नहीं किया था, और आखिरकार मेरा चिल्लाने का सही असर हुआ। मुझे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने एक आदमी को मेरी तरफ भागते हुए आते देखा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये मुझे मारना चाहता है। जैसे इसने बाहर से एक विशाल आदमी को आते हुए देखा मैंने महसूस किया कि उसकी मुझ पर पकड़ ढीली पड़ गई। मैं बाहर भागी और मैंने देखा कि लोग अपने अपने कमरों से झांककर हमें देखने लगे और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया।
जब पुलिस आई तो मैंने देखा कि उन्होंने फिलिप को हथकड़ी लगा दी और वो उसे वहां से ले जाने लगे। गाड़ी का दरवाजा बंद होने पर जब मेरी उस आदमी पर नजर पड़ी तो मैंने उसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा देखा। उसमें से एक ऑफिसर मेरे पास आया। मैम, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठिए। मैं अभी भी डर से सहमी हुई थी। मैंने ऑफिसर को मेरी मदद करने दी। जब हम वहां से निकले तो थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। पुलिस की गाड़ी में एक रेडियो लगा था जो बजा और दूसरी तरफ से एक ऑफिसर की आवाज आई। सभी यूनिट्स को सूचित किया जाता है कि हमें बैकअप की जरूरत है, मार्कोव फरार हो गया है। मैं जानती हूं कि मैं उस दिन से डर और खौफ में जी रही हूं, और एक हफ्ते बाद जब मुझे एक फोन आया तो चीजें बेहतर नहीं हुई बल्कि और खराब हो गई। मुझे मार्कोव की पहचान करने के लिए एक पते पर बुलाया गया। मैं खुशनसीब हूं कि उस पते पर जाने से पहले मैंने उस नंबर की जांच कर ली। वो पुलिस स्टेशन का नंबर नहीं था। उस बदली हुई आवाज के पीछे और कोई नहीं बल्कि मार्कोव ही था। मैं बस उम्मीद करती हूं कि वो ये ना जानता हो कि मैं कहां रहती हूं। मेरी पिछली गर्लफ्रेंड मुझे कंजूस बुलाया करती थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी ये आदत मेरी जान ले सकती है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने शहर में एक नया अपार्टमेंट लिया। वो जगह बहुत अच्छी थी। जब से मैंने उसे देखा था मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन दिक्कत बस इस बात की थी कि डाउन पेमेंट करने के बाद मेरे पास और किसी चीज के लिए पैसे नहीं बचे थे। उस घर के साथ मुझे थोड़ा फर्नीचर मिला तो था, लेकिन अभी भी कुछ जरूरी चीजों की जरूरत थी, जैसे कि बेड, टीवी, सोफा। इसलिए मैंने अपने दोस्त मैट से मदद मांगी। वो मेरी मदद करने के लिए बहुत खुश था, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं थे। उसने मुझे बताया कि किस तरह उसके डैड ने क्रेग्सलिस्ट पर किसी अनजान आदमी से ट्रक खरीदा था। उसका कहने का मतलब ये था कि वो ट्रक उन्हें बहुत ही अच्छे पैसों में मिला था और अभी भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। मैंने दरअसल कभी भी क्रेग्सलिस्ट से कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। उस दिन ही मैंने वहां पर अपना एक अकाउंट बना लिया। मैंने सर्च बार पर लिखा घर का सामान और बटन दबा दिया। मुझे फौरन कई लोग दिख गए। एक आदमी तो अपने पूरे घर का सामान बेच रहा था, और वो भी $5 के डिस्काउंट रेट पर। ये बस देखने में सुहाना जैसा लग रहा था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उससे बात की। उसने बताया कि उसका नाम ब्रैंडन था और वो जल्द से जल्द सामान बेचना चाहता था, क्योंकि वो जल्द ही शहर से बाहर शिफ्ट हो रहा था। मुझे अब भी इस बात पर शक था, लेकिन मेरा शक वैसे ही दूर हो गया जैसे ही उसने मुझे सामान दिखाने के लिए फेस टाइम किया। वो वाकई बहुत ही बढ़िया कंडीशन में लग रहे थे, और यही देखकर मैंने हाँ कर दी। अब जो बात बची थी वो बस इतनी थी कि इस सामान को मैं अपने घर तक कैसे लाऊं। मेरे पास डिलीवरी देने के लिए फालतू पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मुझे पैसे बचाने का कोई तरीका निकालना था। फिर मुझे एक आइडिया आया। जिस ट्रक के बारे में मुझे मैट ने बताया था वो एकदम परफेक्ट रहेगा। मैंने मैट को फोन किया और उससे पूछा कि क्या हम उसके डैड का ट्रक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ यार, क्यों नहीं, उसने उत्साह से चिल्लाते हुए जवाब दिया। वो बहुत ही मस्त मौला इंसान था। मैट ने कहा कि हमें इस आदमी से किसी खुली जगह पर मिलना चाहिए। उसका कहने का मतलब ये था कि दुनिया में तरह तरह के पागल लोग होते हैं, और सच कहूं तो उसकी बात में दम तो था। मैंने ब्रैंडन से इस बारे में बात की तो उसने भी हाँ कर दी। हमने दोपहर के 2 बजे वॉलमार्ट की पार्किंग में मिलने का फैसला किया। उस वक्त वहां पर बहुत से लोग होंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो वहां से निकलना भी आसान होगा। मैट और मैं 25 मिनट लेट पहुंचे। मैंने फौरन ब्रैंडन को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। हमने वहां करीब आधे घंटे तक इंतजार किया और मैंने फिर दोबारा फोन किया। इससे पहले कि 1 घंटी खत्म होती कॉल अपने आप कट गई। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरे पास एक मैसेज आया। हेलो दोस्त, क्या तुम वहां पहुंच गए? हाँ, मुझे आए हुए कुछ टाइम हो गया है, तुम कहाँ हो? कुछ देर के इंतजार के बाद। मैं पास में ही हूँ। तुमने गाड़ी कहाँ लगाई है? क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी बता सकते हो? मैंने सवाल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे सच में लगा कि वो हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। ये ग्रे पिकअप ट्रक है, हम पार्किंग लॉट में खड़े हैं। ठीक है। एक बार फिर कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। इस बार मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। फिर अचानक उसका मैसेज आया। मेरी गाड़ी कुछ मीटर पहले खराब हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने अपने भाई को कह दिया है कि वो तुम्हारे पास पहुंच जाए, वो आता ही होगा। उसका आखिरी मैसेज बहुत बड़ी चेतावनी थी जो मुझे सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके लिए बहुत नादान था। हमने अगले 25 मिनट और इंतजार किया। मैंने एक बार फिर फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। इस वक्त तक मैट और मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। हम थक चुके थे और घर वापस जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही मैट गाड़ी चलाकर वहां से निकलने वाला था, एक आदमी अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ गया। मैट ने फौरन ब्रेक लगाई। गाड़ी पर जोर का झटका लगा। हे, तुमने क्या मरने की कसम वसम खा रखी है क्या? मैट उस पर चिल्लाया।
वो आदमी फटी हुई हालत में था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े गंदे, यहाँ तक कि उसकी शर्ट पर सरसों का दाग भी लगा हुआ था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत गांजा फूका हुआ था। वो आदमी मैट की तरफ बढ़ा। मुझे माफ करना, ब्रैंडन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, उस आदमी ने रुकते रुकते कहा और मुस्कुराता रहा। उसके मुंह से रम की बदबू आ रही थी। मैं दूर से भी उसे सूंघ सकता था, लेकिन उसकी सांसों के अलावा भी उसकी हर हरकत अजीब ही थी। मैट ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। हम दोनों समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है और हम उसके बारे में जानने के लिए रुकने नहीं वाले थे। ब्रैंडन को बता देना कि हम कल फिर आएंगे, ठीक है? कुछ जरूरी काम आ गया है, मैंने उसे टालने के लिए कहा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो आदमी गुस्से में आ गया। इससे पहले कि हम समझ पाते कि क्या चल रहा है, उसने जेब से बंदूक निकाली और गाड़ी की तरफ झुक गया। शायद वो नहीं चाहता था कि किसी और का उस पर ध्यान जाए। मैट और मैं डर गए। वो आदमी पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसने बस एक शब्द कहा, गाड़ी चलाओ। उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम कहां जा रहे थे, और अब जब सर पर बंदूक रखी हो तो इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जब हम जा रहे थे तो उस आदमी के फोन में एक मैसेज आया और उसका ध्यान भटक गया। वो मैसेज का जवाब देने लगा। मैट ने चुपके से मेरी तरफ देखा और फिर इशारा किया। मैं उसका इशारा समझ गया और मैंने फौरन अपनी सीट बेल्ट टाइट कर ली ताकि मुझे कोई नुकसान ना। गाड़ी चलाते चलाते मैट ने बीच में अचानक जोर से ब्रेक मारी। वो आदमी आगे आकर गिरा और उसका मुंह डैशबोर्ड से जाकर टकराया। वो वहीं खत्म हो गया। मैंने जल्दी से उसके हाथ से गन ले ली। वो बस एक तुक्का था, लेकिन हम खुश थे कि वो काम कर गया। अभी जब हम इस हादसे से उभर भी नहीं रहे थे, हमने एक बीप की आवाज सुनी। उस आदमी के फोन में मैसेज आया। हम ये देखकर हैरान थे कि वो मैसेज ब्रैंडन का था। उस आदमी ने ब्रैंडन को बताया था कि हम उसकी कस्टडी में हैं। ब्रैंडन ने उसे लोकेशन भेजकर जवाब दिया। मैट और मैंने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जल्द ही अपने एक टीम उस लोकेशन पर भेजी। वो जगह एक गोदाम थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो ये थी कि उन दीवारों के पीछे क्या काम हो रहा था। पुलिस को अलग अलग तरह के लोगों के शरीर के अंग बरामद हुए। उन्होंने दरअसल वहां एक दुकान खोली हुई थी। हमें लगा था कि ब्रैंडन ने ही ये सब करवाया है, लेकिन वो बस एक बदकिस्मत शिकार निकला। पुलिस ने उसका शरीर कब्र में दबा हुआ मिला। जो लोग इन सब के पीछे थे उनकी कोर्ट में पेशी करवाई गई। मैट और मैं उस शाम घर जाते हुए सोचने लगे कि अगर हमने खुद को बचाने के लिए कोई कदम ना उठाया होता तो हमारा क्या हाल हुआ होता। हमने क्रेग्सलिस्ट से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया और इस हादसे के बारे में कभी दोबारा बात नहीं की। वाकई दुनिया में बहुत अजीब तरह के पागल लोग हैं। क्या आपने कभी भी क्रेग्सलिस्ट से ऑर्डर किया है? मैं सच कहूं तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सामने से जाकर सामान खरीदे, और ऑनलाइन खरीदारी करना भी मुझे सुरक्षित नहीं लगता। मुझे बिना अपने घर से निकले शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन हर चीज की तरह कभी कभी ये भी खतरनाक हो सकती है, और मेरे केस में खतरा बहुत ज्यादा था। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने क्रेग्सलिस्ट से मेकअप खरीदा। आप कभी नहीं जान सकते कि दूसरी तरफ कौन है, लेकिन हमें हमेशा यही लगता है कि वो भी हमारी ही तरह औरत होगी, ना कि कोई साइको जो आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा। पहले तो सब ठीक था। अगले ही दिन मेरा ऑर्डर आ गया। मैं खुशी खुशी उसे लेने बाहर गई, लेकिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरा ध्यान किसी पर गया। एक झाड़ी के पीछे से कोई आदमी मुझे देख रहा था। हालांकि उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन यह जाहिर था कि वो मुझे घूर रहा है। वो साफ साफ मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे वो काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। मैं घबरा कर अपने घर के अंदर चली गई और मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया। मैंने पार्सल खोला और मैं ये देखकर खुश थी कि सब कुछ बहुत ही अच्छा था। मैंने लिपस्टिक और आईलाइनर लगाना शुरू कर दिया। सब कुछ बढ़िया था। जाहिर है मैं बेफिजूल में मेकअप नहीं कर रही थी। मैं जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी। मैंने अपनी आंखों पर आई शेडो लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक वो बहुत ज्यादा जलने लगा। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर मेरी आंखें जलने लगी जैसे वो पिघल जाएंगी। मैंने अपनी आंखों में पानी डाला, लेकिन उससे जलन और भी बढ़ गई। बहुत ही मुश्किल के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और तब जाकर मैंने उस राक्षस को अपने सामने देखा। वो राक्षस मैं थी। उस लिपस्टिक से मेरे चेहरे पर रिएक्शन हो गया था, जिससे वो सूज गया और उसका आकार अजीब हो गया। घबराई हुई और हताश होकर मैंने बाथरूम की खिड़की से किसी के हंसने की आवाज सुनी। मैंने दर्द में पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। तुम खूबसूरत हो, ये बात चिल्लाकर उस आदमी ने एक लोहे की रॉड का इस्तेमाल करते हुए खिड़की का
तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने खूबसूरत बनने के लिए इनकार क्यों कर दिया? घबरा कर मैंने उल्टी चाबी अंदर लगा दी। फिर मैंने उसे बाहर निकाला और सही तरीके से चाबी को दरवाजे में लगाया, लेकिन पहली बार चाबी घुमाने पर उसने पीछे से मेरा मुंह दीवार पर मारा। तुम परफेक्ट बनने के लिए मना नहीं कर सकती। तुम देखोगी कि किस तरह तुम सभी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत बनती हो, वरना तुम ये कोशिश करते करते मर जाओगी। ये दुनिया रेंगने वालों के लिए नहीं बनी है, तुम महान जीवन जीने के लिए बनी हो। तुम बस ये चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी तरह बदसूरत हो। उस पर एक बार फिर वार करने के बाद मैंने इस मौके का फायदा उठाया और मैं बाथरूम में भाग गई। वो आदमी मुझसे ज्यादा तेज और ताकतवर था। मैं खिड़की से भाग सकती थी, लेकिन वो मुझे एक पल में ही पकड़ लेता और कोई भी पड़ोसी मुझे बचा नहीं पाता। मुझे कुछ तो करना ही था। मैंने उसका इंतजार करा। मैं उस पर वार करने के लिए तैयार था। मेरे पास उसके लिए एक सरप्राइज था। मैंने खुद को खिड़की के करीब ही रखा था ताकि अगर चीजें मेरे हाथ से फिसले तो मैं वहां से भाग सकूं। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वो आ ही नहीं रहा था। उस आदमी ने मुझे छोड़ा और अपने पैरों से मेरा चेहरा जोर से दबाने लगा। वो पूरा जोर लगाते हुए मुझे दबा रहा था। मुझे उससे बहुत दर्द हो रहा था और मैं नहीं जानती थी कि मैं इससे कैसे बचूं। जब मैं दम तोड़ने वाली थी तो मैंने उस आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उसके पीछे मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा था। लेट ही सही, लेकिन वो मुझे बचाने आ गया था। बदकिस्मती से वो मुझे बचाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो आदमी मेरे बॉयफ्रेंड पर हावी हो गया और उसे बुरी तरह मारने लगा। मैं तुम्हें खूबसूरत बनाती हूँ। जितना तेज हो सकता था हम भागे। वो पागल आदमी चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगा। उसके बालों में भी आग लग गई थी। पुलिस ने हमें रोका। उन्हें कुछ ही सेकंड्स में समझ आ गया कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और जब उस आदमी ने पुलिस वालों की बात भी नहीं मानी जिन्होंने उसे सरेंडर कर रुकने के लिए कहा, तो उन्होंने उस पर गोली चलाई। पुलिस को सब कुछ बताने के बाद जब उन्होंने उस आदमी के घर की छानबीन की तो उन्हें वहां कई लड़कियों की लाशें मिली। हम नहीं जानते कि उसने जो भी किया क्यों किया और उसका चेहरा भी उस तरह क्यों था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें अंधेरे में ही रहे तो बेहतर है।